Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. उन ब्लॉग्स के लिए आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है न्यू कार ओनर के लिए ओल्ड कार ओनर के लिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पे ऑटो वेल्टेड वीडियो डीवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस काफी न्यू कार ओनर होते हैं काफी ओल्ड कार ओनर होते हैं जिनके माइंड में ये मिथ होता है कि जब भी वो अपनी कार की बॉडी के ऊपर कवर लगाते हैं तो ऐसे में उनकी कार काफी सेफ रहती है एंड जो भी वो कवर यूज करते हैं बॉडी कवर कार का वो पूरा 100% डस्ट प्रूफ होता है और पूरा वाटर प्रूफ होता है। तो गाइज ये उनके माइंड में काफी ज्यादा बड़ा मिथ रहने वाला है। तो गाइज मार्केट के अंदर कोई भी आपको 100% वाटर प्रूफ कवर नहीं मिलता ना ही अवेलेबल होता है और ना ही कोई 100% डस्ट प्रूफ कवर अवेलेबल होता है। एंड गाइज जो कंपनी आपकी कार के साथ कवर ऑफर करती है जब भी आप न्यू कार परचेस करने जाते हो तो उसकी क्वालिटी वो काफी चीप होती है, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है 1 से 2 ईयर होती है अगर आप उसको केयर से रखते हैं। एंड गाइज आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपनी कार की बॉडी के ऊपर कवर डालते हैं तो कहीं ना कहीं डस्ट भी पास होती है इजीली एंड जो रेनिंग सीजन के अंदर जो वाटर है वो भी पास होता है। तो गाइस जो कंपनी के साथ कवर ऑफर करती है वो बिल्कुल भी डस्ट प्रूफ नहीं होता ना ही वाटर प्रूफ होता है। ऐसे में वो आपकी कार को सेफ रखने के बजाय आपकी कार को धीरे धीरे टाइम के साथ हार्म पहुंचाता रहता है। अगर आपकी व्हाइट कलर की कार है तो आपको इतना नोटिस नहीं होगा लेकिन अगर आपकी कार ब्लैक कलर के अंदर है या फिर अदर कलर के अंदर है तो टाइम के साथ आपको 1 से 2 ईयर के अंदर नोटिस हो जाएगा अगर आप इसी तरीके से जो आपकी कार के ऊपर बॉडी कवर डालते हो। तो गाइस जो स्वेल मार्क्स हैं वो आपकी कार के ऊपर दिखने लग जाएंगे जब भी आप उसको पॉलिश मारोगे या डिटेलिंग करवाओगे तो कहीं ना कहीं टाइम के साथ 1 से 2 ईयर के अंदर स्वेल मार्क्स आ जाएंगे जो डस्ट पार्टिकल के कारण आते हैं। एंड गाइस काफी न्यू कार ओनर क्या गलती करते हैं जब भी वो अपनी कार को पार्क करते हैं तो पार्क करते ही उस गंदी गाड़ी को वैसे ही उसी कंडीशन के अंदर उसी के ऊपर बॉडी कवर डाल देते हैं एंड जब भी उनको कहीं जाना होता है तो वापस से बॉडी कवर उठाया एंड साइड में रखा एंड वापस से उनको पार्क करनी होती है तो गंदी गाड़ी के अंदर ही बॉडी कवर लगा के अपनी कार को पार्क कर देते हैं। तो गाइस ये काफी गलत रहने वाला है क्योंकि जो बारीक डस्ट पार्टिकल होते हैं कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी कार के ऊपर बॉडी कवर लगाते हो तो फ्रिक्शन के कारण कहीं ना कहीं टाइम के साथ काफी छोटे छोटे स्वेल मार्क्स आपकी कार की बॉडी के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो गाइस जो कार का बॉडी कवर होता है वो आपकी कार को सेफ रखने के बजाय इनडायरेक्ट वे में आपकी कार को धीरे धीरे हार्म पहुंचाता रहता है। तो गाइस लिटरली मैं मेरी कार के ऊपर कभी भी आज तक मैंने अपनी कार के ऊपर बॉडी कवर नहीं लगाया इसलिए वो 8 से 9 ईयर तक अभी भी चल रहा है। मैं सिर्फ अपनी कार के ऊपर डाल देता हूँ जब भी डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करता हूँ सिर्फ कार के ऊपर डाल देता हूँ छत पे ताकि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना आए। तो इसलिए गाइस बॉडी कवर है वो इनडायरेक्ट वे में आपकी कार को धीरे धीरे हार्म पहुंचाता रहता है। अभी बाहर चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपकी कार को वो हार्म पहुंचाता है इनडायरेक्ट वे में। तो गाइस अभी आप चेक करो जो मेरी कार का बॉडी कवर है इसको 7 से 8 ईयर के अप्रोक्स हो चुके हैं और ये वही कवर है जो कंपनी ऑफर करती है जिसकी क्वालिटी काफी चीप आती है और ये ना ही कोई डस्ट प्रूफ होता है और ना ही कोई वाटर प्रूफ होता है। तो गाइस अब जाके मैं इसको ऊपर डालने लगे कार के ऊपर मैं सिर्फ जो कार की रूफ है यहीं तक डालता हूँ उसके ऊपर क्योंकि गाइस मेरी कार है वो डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी होती है यहाँ पे तो इस वजह से ये हीट ना हो और डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े इस वजह से मैं सिर्फ ऊपर डालता हूँ। लेकिन गाइस मैंने कल ही गाड़ी पार्क करी थी और पार्क करके मैं इसके ऊपर कवर डाला था सिर्फ थोड़ी देर के लिए और आज वापस से रिमूव कर लिया क्योंकि शाम को बारिश आई थी और ऐसे में पहले डस्ट काफ़ी उड़ी उसके बाद बारिश आई। तो ऐसे में आपकी कार को किस तरीके से हार्म पहुँचाता है बॉडी कवर अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो गाइस अभी आप नोटिस कर रहे होगे पहले डस्ट आई फिर डस्ट आने के बाद बारिश हुई। तो देखो गाइस आपकी कार के बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे जो वाटर है स्पॉट हैं वो देखने को मिलेंगे। अभी आप चेक करो कितने सारे वाटर के स्पॉट एंड डस्ट पार्टिकल सारे और ऐसे में आप अपनी कार को लॉन्ग टाइम के लिए पार्किंग के अंदर छोड़ भी देते हो और वही कवर आपकी गाड़ी के ऊपर लगा रहता है। तो ऐसे में जो काफ़ी ज़्यादा कर्व होते हैं आपकी कार के अंदर वहाँ पे जो रेनिंग का पानी होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और ऐसे में एयर के कॉन्टैक्ट में आने से कहीं ना कहीं रस्टिंग के चांस होते हैं। तो गाइस अभी आप चेक करो कल बारिश आई थी अगर मैं कवर को रिमूव नहीं करता तो ये ऐसे ही जो ये कार है गंदी पड़ी रहती और जैसे ही कार का बॉडी कवर है वो सूख जाता है और ऐसे में हवा चलती तो कहीं ना कहीं कार की बॉडी के ऊपर टच होता है ऐसे में और धीरे धीरे फ्रिक्शन लग लग के जो डस्ट पार्टिकल के साथ कहीं ना कहीं वो स्वेल मार्क्स बना देता। तो इसलिए गाइस आपकी कार के अंदर जो बॉडी कवर होता है वो सेफ रखने की बजाय कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है। तो गाइस आप डेली अपनी कार को साफ करोगे नहीं और ऐसे गंदी कार के अंदर आप बॉडी कवर डाल दोगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन लग के आपकी कार के अंदर स्वेल मार्क्स बनाते रहेंगे। एंड गाइस अभी आप चेक करो कल शाम को डस्ट उड़ी थी काफ़ी एंड बारिश आई थी उसके बाद तुरंत उसके बाद और ऐसे में मेरी कार के ऊपर कवर लग रहा था तो ये वाला सीन हो गया। अगर मैं मेरी कार के कवर को 1-2 दिन तक रिमूव नहीं करता और काफ़ी तेज़ बारिश आती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉइस्चर जमा हो जाता कवर के अंदर काफ़ी मॉइस्चर और डायरेक्ट वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता तो रस्टिंग का काम करता। तो अभी ये आप देखो यहाँ पे मॉइस्चर जमा है और वाटर के ड्रॉपलेट्स भी कुछ जमा है स्पॉइलर के अंदर। ये सिर्फ रात का सीन है
तो मैंने आज इसको हटा दिया। अगर मैं इसको एक दो दिन छोड़ दूंगा तो ऐसे में रस्टिंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड गाइज, अगर मेरी कार के ऊपर बॉडी कवर नहीं होता तो ये वाला सीन नहीं होता, जगह जगह जो डस्ट के और जो वाटर के स्पॉट है वो देखने को नहीं मिलते। तो गाइज, सबसे पहले क्या हुआ, पहले डस्ट उड़ी और ऐसे में बॉडी कवर लगा हुआ था तो जो डस्ट है वो पूरी पैक हो गई कवर के अंदर, एंड उसके बाद तुरंत उसके बाद बारिश आ गई, तो ये वाला सीन बन गया। अगर सीधे बारिश आती, डस्ट भी आती, तो सीधे पानी के साथ बह के निकल जाती, कहीं भी स्टोर नहीं होती। लेकिन मेरी कार के अंदर बॉडी कवर लगा हुआ था तो कार की बॉडी के अंदर ही सब कुछ फंस गया और ये वाला सीन बन गया। इस तरीके से आपको वापस से वॉश करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सीधे आपकी कार बिना कवर के खड़ी होती तो ऐसे में डस्ट जो होती है वो बिल्कुल रिमूव हो जाती और ऐसे बारिश के साथ जो पूरी डस्ट है वो ईजीली हट जाती, ये वाला सीन नहीं बनता। तो इसलिए गाइस, आपकी कार के अंदर जो बॉडी कवर है वो टाइम के साथ धीरे धीरे आपकी कार को हार्म पहुंचाते रहता है जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके माइंड में अहमियत होता है कि जो आपकी कार के जो बॉडी कवर होता है वो आपकी कार को सेफ रखता है। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कार का जो बॉडी कवर है वो सेफ रखने के बजाय आपकी कार को धीरे धीरे टाइम के साथ हार्म पहुंचाता रहता है। अगर आपकी कार वाइट कलर के अंदर है तो आपको इतना जल्दी नोटिस होने वाला नहीं है। अगर आपकी कार ब्लैक कलर के अंदर या फिर अदर कलर के अंदर है तो आपको 1 से 2 ईयर के अंदर नोटिस हो जाएगा अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो। इसलिए गाइज, मैं मेरी कार के ऊपर जो बॉडी कवर है उसका यूज़ नहीं करता, इसलिए मेरी कार के ऊपर कोई भी स्वेल मार्क्स नहीं आया अभी तक, जबकि मेरी कार को 7 से 8 ईयर हो चुके हैं और जो कंपनी के साथ कवर ऑफर आया था वही कवर इतना सेफ बचा हुआ है क्योंकि मैं इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। तो आई होप गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पर ऑटोमेटिक वीडियो डी वाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो गाइज, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।